2 तारीख के रोज, 3 तारीख के रोज जो व्यक्ति आर्यन खान को घसीटते हुए एनसीबी के कार्यालय में ले जा रहा था, वो व्यक्ति लॉकअप में है, सलाखों के पीछे है। जो व्यक्ति आर्यन खान को और उनके साथियों को जमानत ना मिले इसके लिए पूरी ताकत झोंक रहा था, कल वो कोर्ट में दस्तक दे रहा था कि जो जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की है उस जांच को सीबीआई या एनआईए के हवाले की जाए और महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी ओर से रखा कि समीर दाऊद वानखेड़े को एंटी करप्शन के चार्जेज में या उगाही के चार्जेज में पुलिस को गिरफ्तार करना होगा तो उन्हें 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। तो पूरा सीक्वेंस बदल गया है। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ाने वाले, पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं। जमानत को लेके सभी का अधिकार होता है कि जब तक कोई गुनाह किसी पे सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे जेल के सलाखों के पीछे रखना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। स्पेशल कोर्ट ने एक दिन पहले ही 2 कथित जो मुलजिम है, जिन पर इल्ज़ाम है, उन्हें जमानत दी। कल 3 लोगों की जमानत हो गई और हमें लगता है जमानत तो जिन धाराओं को लेके केस बनाया गया था उसे किला कोर्ट में ही जमानत दे देनी चाहिए थी, लेकिन एनसीबी अलग अलग दलीलें हर बार पेश करने का काम करती है, केस को उलझाने का काम करती है, झूठी बातें करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे कैसे रहें ये इनका पहली बार नहीं, हमेशा का प्रयास रहा है, खास करके वानखेड़े के आने के बाद। हमें लगता है बेल मिली है, लोग अगर ढंग से चीज़ों को करेंगे तो ये मामला ही पूरी तरह से निरस्त हो सकता है। हाईकोर्ट में अगर लोग जाएंगे तो हमें लगता है लोग जाएंगे, लेकिन जिस तरह से इस 1 महीने के भीतर लगभग जो चीज़ें बदल रही हैं, हर दिन नई नई चीज़ें, हमें लगता है वानखेड़े साहब ने सारा हथकंडा अपना लिया। पहले लोगों को कहने लगे कि मेरे परिवार के लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है, मेरी मरी हुई माँ को घसीटा जा रहा है, मैंने कभी भी उनकी माताश्री, उनका ना नाम लिया, ना कभी सार्वजनिक रूप से उन पर कोई उंगली उठाई। मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट डाला था उसमें दाऊद वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, इतना ही मैंने कहा था। मैंने उनकी बहन को लेके इसलिए सवाल खड़े किए थे क्योंकि बहुत सारा फ्लेचर पटेल के लेडी डाउन कहने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उनकी पत्नी के खिलाफ आज तक जो पहली पत्नी है उसकी तस्वीर हमने डाली, लोगों ने सवाल पूछा कि ये तस्वीर क्यों डाली है, कहीं से मुझे 2 बजे रात में वो तस्वीर भेजी गई और उसमें मैसेज आया कि जिसकी तस्वीर है उसकी इच्छा है कि ये तस्वीर आप सार्वजनिक करें, इसलिए मैंने तस्वीर डाली। लेकिन उनकी जो अभी पत्नी है उनके विषय में ना मैंने कभी उनका नाम लिया या उनके बारे में कोई टिप्पणी मैंने नहीं की। हमें लगता है कि लड़ाई ये किसी के परिवार से नहीं, किसी के धर्म को लेके नहीं, मेरी लड़ाई सीधी है जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ है। आज भी मुंबई के जेलों में 100 से अधिक लोग बेगुनाह ये बंद हैं जिन्हें नाजायज तरीके से फंसाया गया। अब स्पेशल 26 वाला एक खत हमने डीजी
एनसीबी को लिखा था। पहले ये कहा गया कि हम इसकी जांच करेंगे, दखल लेंगे। फिर ये खबरें आ गई कि जिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है उसने अपना नाम नहीं कहा है। हाँ, हमें जानकारी है, हम राजनीति में हैं, मंत्री कई बार रह चुके हैं, कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक आदेश है कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है तो ऐसे कंप्लेंट्स का कोई दखल लेने की ज़रूरत नहीं। हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से 26 मामलों का जिक्र हुआ है, उस 26 मामलों में आप जांच करें, हम मांग करते हैं। क्योंकि जो 22 नंबर पे एक मामला उस खत में लिखा था, जिसमें एक नाइजीरियन को बेगुनाह तरीके से खारघर में फंसाया गया, और उसमें जो विटनेस है, उस विटनेस कामड़े ने कई मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा और सारी घटना बताई कि मेरे ही मुखबिरी पे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोगों ने छापेमारी की थी, लेकिन जो नाइजीरियन ड्रग पेडलर था वो भाग गया। उसके बाद उससे कहा गया कि यहाँ नाइजीरियन लोग कहाँ रहते हैं, सभी नाइजीरिया के लोग इस देश में ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ये किसी की समझ होगी तो गलत है। गरीब देश है, कुछ ड्रग बेचते होंगे, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन नाइजीरिया के नागरिक बड़े पैमाने पे भारत में जो कपड़े हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उसको यहाँ से खरीद के अपने देश में भेज के उसका भी कारोबार बड़े पैमाने पे करते हैं। घर घर में एक उनका किचन है, जैसा कि कामड़े ने कहा, ये सब लोग वहाँ पे गए, वहाँ डीवीआर था, उस डीवीआर को तोड़ दिया, वहाँ से एक बच्चा और एक नाइजीरियन को साथ में ले आए, जिसकी उम्र कम थी उसे छोड़ दिया गया, और उस नाइजीरियन को जाली केस में, फर्जी केस में, फर्जीवाड़ा करके जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। और उसी जो उनका पंच है, विटनेस है, उसने कहा है कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी है, और उससे ब्लैंक पेपर पे साइन लेने का काम एनसीबी के अधिकारियों ने कहा, और उससे ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर लिए गए। आज मैंने एक खत लिखा है फिर दोबारा डीजी एनसीबी को, मैं अभी आप लोगों को दूंगा और ट्विटर पे भी उसे रिलीज़ कर दूंगा। मैंने उसी मामले का हवाला दिया है कि आप सीवीसी की गाइडलाइन के तहत ये 26 मामलों को बंद ना करें, 26 मामलों की जांच कराएं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप गुनहगारों को सज़ा दें, पकड़ें, लेकिन बेगुनाह अगर कोई जेल के पीछे सैकड़ों की तादाद में है तो उसकी जांच होनी चाहिए। खत के जरिए आज दोबारा मैं मांग करने वाला हूं कि इस विषय की जांच हो और जो बेगुनाह हैं उनके न्याय मिले, और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके बेगुनाहों को जेल में डाला है उन्हें भी दंडित किया जाए। ये हम आज खत के जरिए मांग कर रहे हैं, खत हम आपको देंगे। दूसरी एक बात मैंने कही थी कि दाढ़ी वाला कौन है, वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान, फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है, उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है, बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। उसने सारे इनविटेशन सोशल मीडिया पे डाले थे, और उस दिन वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो, जो उन्हीं के साइट से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ
डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है, इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है, और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। 3 दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है, क्या उसकी गिरफ्तारी से इनके राज खुलने वाले हैं। हमें लगता है इतना दलदल है इसमें कि जितनी खोज की जा रही है उतने सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। आज दाढ़ी वाले की बात थी हमने की, और कल से मैं देख रहा हूँ कि पहले तो 4 दिन तक टेलीविज़न पर मुझे धमकी दी गई वानखेड़े साहब के परिवार की तरफ से कि हम इन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। मैंने कहा कि बिना पैसे वाला केस कैसे लड़ा जाता है, 499 और 500 में डिफेमेशन का मामला दर्ज करके आप मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए, मैं जमानत लेके अपना केस स्वयं लड़ूंगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नवाब मलिक न्यायालय में जाएं। न्यायालय में तो वानखेड़े साहब गए, बड़ी अचंभव की बात है कि परसों एक याचिका हाईकोर्ट में दर्ज की गई और उसमें मांग की गई कि नवाब मलिक को सार्वजनिक रूप से मीडिया से बात करने से उन पर रोक लगाई जाए, उनको ट्विटर पे कुछ लिखने से रोका जाए। न्यायालय ने हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने उस पर आदेश देते हुए कहा कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, हम छुट्टी के बाद रेगुलर इसको देखेंगे। क्या सोचता है ये अधिकारी, क्या इस देश में नाजायज लोगों को जेल में डाल देगा, क्या यह देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीक, वो भी ये छीन सकता है। हमें लगता है किसी को बोलने से रोकना आज़ादी ख़त्म करना है, किसी को लिखने से रोकना आज़ादी ख़त्म करना है। आज़ाद भारत में किसी को बोलने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति गलत बात करता है, किसी के अधिकारों का हनन करता है, किसी की बदनामी करने का काम करता है, तो उसके लिए अलग अलग कानून है, उस पर मुकदमे चलाए जा सकते हैं और उस हथियार का इस्तेमाल होना चाहिए। कल तक जो अधिकारी ये लिख रहा था कि मुझे मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन देने का काम करे, कल हाईकोर्ट में जाकर मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताने का काम किया जा रहा है। क्या वजह है कि 8 दिन के भीतर जो पुलिस आपकी रक्षा करे आप गुहार लगा रहे थे, अब उसी पुलिस से आपका विश्वास हट गया। हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उन्हें डर लगने लगा है। कल उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री महोदय को उन्होंने एक पत्र लिखा है कि हम मराठी हैं, हमें मराठी होने के नाते आप सहायता करें, हमारी मदद करें। नवाब मलिक का परिवार भी 70 सालों से इस शहर में है, 59 का मेरा जन्म है, महाराष्ट्र के निर्मिति के पहले से परिवार तो ठीक है, नवाब मलिक भी इसी राज्य का एक नागरिक है, तो क्या नवाब मलिक महाराष्ट्र का नहीं, नवाब मलिक मराठी नहीं। लेकिन जिस तरह से कल पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी हो गई, एक हमारे सुमैया साहब हैं उनके घर पे पहुंच गए लोग, उनके साथ फोटो वायरल हो गई। जो मेरी शंका थी कि जो जिन है, भूत है, इसकी जान इसी तोते में है, और तोता पिंजरे में कैद होने वाला है, इसलिए पूरी जिन जो राक्षसी सोच के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं जिन घबराने लगा है कि कहीं तोता पिंजरे में चला गया तो और बहुत सारे राज खुलेंगे क्या। और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है,
मैंने पहले दिन से ही कहा था कि महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र वानखेड़े के माध्यम से हो रहा है। एक केस रिया चक्रवर्ती से शुरू होकर एक केस वानखेड़े ने दर्ज किया है, जिसमें फिल्म वालों की परेड लगाई गई। एक साल से अधिक हो गया, एक भी गिरफ्तारी उसमें नहीं है। केस एक साल से खुला है। अगर किसी केस में कोई गड़बड़ी होती है तो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। उसी केस के जरिए उगाही का धंधा चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई को, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए। और योगी महाराज नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, ताजमहल होटल में आकर लोगों से मिले। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के जो भी किरदार थे वो जाकर उनसे मिले थे। उन्हें ये लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम करके ये बॉलीवुड मुंबई से बाहर चला जाएगा। उन्हें पता नहीं इस बॉलीवुड को बनाने में दादा फाल्के से लेकर वी शांताराम से लेकर कई मराठी कलाकार, कई मराठी दिग्दर्शक, कई मराठी लोगों ने इस बॉलीवुड को पहचान दी है। पहले बॉम्बे नाम था, इसलिए इसका नाम हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड पड़ा। बॉलीवुड देश की संस्कृति, देश की पहचान पूरी दुनिया तक ले जाता है। बॉलीवुड के गाने सिनेमा के जरिए भारत दर्शन लोग करते हैं। बॉलीवुड के जरिए महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में लाखों लोगों का रोजगार चलता है। बॉलीवुड को बदनाम कर देने से ये अगर योगी महाराज सोच रहे होंगे कि यूपी उठ तैयार हो जाएगा तो उनकी गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे के लोग अगर यहाँ पर आए तो उन्हें पहचान इस बॉलीवुड ने दिया। कोई गुजरात से आया तो बॉलीवुड ने उन्हें पहचान दिया। कोई महाराष्ट्र का है तो उसे भी पहचान मिली। कोई तमिलनाडु से आया उसे भी पहचान मिली। मुंबई ये मिनी भारत है, और अगर एक छोटा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बनाता है तो उसे बदनाम करके उत्तर प्रदेश में ले जाएं, यूपी वुड बना दे, हमें लगता है ये सपना उनका धरा का धरा रह जाएगा। मैं रेडकर ताई से कहता हूँ, रेडकर ताई, आप महाराष्ट्र को बदनाम करने वाले लोगों के शरण के आप हिस्सा हैं। आपके पति महोदय उस साजिश का हिस्सा हैं जो पूरी तरह से महाराष्ट्र को बदनाम कर रहा है, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम कर रहा है। महाराष्ट्र की अस्मिता कैसे ख़त्म हो जाए वो उससे खेला जा रहा है। हमें लगता है महाराष्ट्र के नाम पे, स्थानीय अस्मिता के नाम पे जो आप चादर ओढ़ना चाहती हैं, हमें लगता है इसमें कोई भी आपकी मदद होने वाली नहीं। मुख्यमंत्री जी को आपने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है किससे मिले या ना मिले, लेकिन महाराष्ट्र में 14 करोड़ जनता अगर कोई गुनाह कर दे और ये कहे कि मेरे गुनाहों को इसलिए माफ़ कर दिया जाए क्योंकि मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, हमें लगता है न्याय के सामने जात धर्म प्रांत भाषा नहीं होती। गुनहगार गुनहगार है, और हमें लगता है कि जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं उन्हें सजा मिलेगी। तुमचा हा गंभीर आरोप है, तुमचा असं म्हणणं आहे की समीर वानखेडे हा थेट भाजपाकडनं ऑर्डर घेतो, कोणाला फसवायचं आहे, कशा पद्धतीने फसवायचं आहे, कसे पैसे उकळायचे? असं मी स्पष्टपणे सांगतोय, मी नाव आज घेत नाही, पण भाजपचे मोठे मोठे नेते, त्यांचे जवळची लोक NCB च्या कार्यालयामध्ये जात आहे, ते त्यांना भेटत आहे। मी जबाबदारीने सांगतो की काही भाजपचे नेते त्यांचे राईट हँड समीर वानखेडेला भेटत आहे आणि कालपासून ते हालचाली वाढलेली आहे। सर, दाढीवाला तो आलेख केला, दाढीवाला आणि समीर वानखेडे यांचे संबंध आहेत असंही तुम्ही आरोप केलाय, तुम्ही या संदर्भातले काही पुरावे तपास यंत्रणांकडे देणार आहात का आणि कशा पद्धतीने हे नेक्सस चालू होतं ते थोडं डिटेल मध्ये सांगा। काशिफ खान कोण आहे जरा आपण शोध करा। काशिफ खान हा पार्टी तिथे एक इव्हेंटचा ऑर्गनायझर होता। काशिफ खान हे फॅशन TV चा इंडिया हेड आहे। त्याच्या सेक्स रॅकेट, ड्रग रॅकेट, पोर्नोग्राफी हे सगळे काम तो करतो आहे आणि त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारच्या कारवाया त्या दिवशी झाली नाही।
1300 लोकांचा तपासच झाला नाही, म्हणजे रेव पार्टी होणार आहे त्यांना एक महिन्या आधीपासून ही माहिती असताना जो पार्टीचा ऑर्गनायझर आहे ज्याची पार्श्वभूमी हे ड्रग रॅकेटियरची आहे त्याचा तपास होत नाही, क्रूजवर झाडझडती होत नाही, त्यांना डिटेन करता येत नाही, म्हणजे त्यांचे संबंध आहे। तपास सुरू झाल्यानंतर बरेचसे गाईब त्याच्यातून बाहेर येणार। सर म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की कालपासून भाजपचे काही लोक आहेत जे मेसेज घेऊन वानखडेंना भेटतात, जर वानखडे असेल तर आमचं नाव घेऊ नका, किंवा सोमय्या पण एवढ्यासाठीच भेटतात की कुठेही भाजपचा चेहरा समोर येणे आणि वानखडेंना वाचवण्याचा प्रयत्न। बघा, काशिफ खानच्या अटक झाल्यानंतर बरेचसे लोकांच्या चेहरेवरचा हा नकाब उघडा पडणार आहे। काशिफ खानकडे किती लोकांचे पैसे आहे, काशिफ खानच्या माध्यमातून काय काय होते, काशिफ खानची कसून चौकशी झाली तर बऱ्याचशा काय याच्यातून उघड होणार आहे। भाजपचे कुठले नेते आहेत, भाजपचे कुठले नेते आहेत असं तुम्हाला वाटतं की कोण नेते आहेत जे एनसीपीला प्रोटेक्ट? आज नाही, काही काही माझ्याकडे हत्यार राहू द्या। विधानसभा हे कुठेतरी वादळी ठरणार आहे, आणि विधानसभेमध्ये काही लोकांना आत्ता बोलल्यानंतर वेगळ्या पद्धतीने कोर्ट कचेऱ्यामध्ये ते जातील, पण वादळी विधानसभेमध्ये माझ्यावर जे काही आरोप होणार आहे त्याच्या उत्तर देताना जे काही मी समोर आणणार या राज्यामध्ये ते नेते तोंड दाखवणे त्यांचं कठीण होऊन जाईल। असे बरेचसे लोकांचा बरेचसे काही कनेक्शन या ड्रगच्या प्रकरणामध्ये आहे, ते पुरावे मी गोळा करतोय, आणि नेत्यांच्या बाबतीत आज मी नाव घेत नाही। हिवाळी अधिवेशन म्हणजे हे अधिवेशन जे 7 डिसेंबरपासून सुरू होतो त्याच्यावर भाजपच्या वतीने माझ्यावर हल्ले होणार आहे, माझं नाव घेऊन हल्ले होणार आहे, माझे जवयाचं नाव बदनाम करण्याचं काम या नेत्यांनी केलेलं आहे, पण मी आता कुठलेही नेत्याला उत्तर देऊन मी डायव्हर्ट करू इच्छित नाही। आत्ता हे जे काय पोपट आहे याचा पोपट केल्यानंतर बरेचसे काय समोर येणार आहे, हिवाळी अधिवेशनात मोठे मोठे नावं समोर येणार। समीर वानखेडेच्या पहिल्या पत्नीचा फोटो, समीर वानखेडेच्या पहिल्या पत्नीचा फोटो तुम्हाला मिळाला असं तुम्ही सांगितलं रात्री, तर स्वतः समीर वानखेडेच्या पहिल्या पत्नीची अशी इच्छा होती का की तो फोटो माध्यमांसमोर यावा आणि किंवा ती संपूर्ण घटना माध्यमांसमोर यावी? सर ते अजून काही बोलत नाही, सुरुवातीला ते कुठल्याही पद्धतीने समोर यायला तयार नव्हती, पण ज्या पद्धतीने काल त्यांचे वडील 2 दिवस बोलत आहे जाहीद कुरेशी जे डॉक्टर आहे, त्यांनी सांगितलं की आम्ही 5 वर्षापासून यांच्याशी आमची ओळख होती, ते मुस्लिम परिवार होता, कन्व्हर्टेड हे त्यांना माहीत होता, त्यांच्या आईनी हे एंगेजमेंट करून नंतर लग्न केलं, आणि जेव्हा हे लोक सांगत राहिले की आम्ही कधीही मुस्लिम ना होतो, सुरुवातीपासून आजपर्यंत हिंदू राहिलो, हे जेव्हा बोलायला लागले ते कुठेतरी ते दुखवले, आणि त्याच्यातून ते फोटो मला म्हणजे एका वाया वाया मला पाठवण्यात आला आणि माहिती देण्यात आली की हे फोटो तुम्ही टाका। पण एनसीपी आपण जे आरोप करतोय पहिल्या घटनेचा तपास करायला तयार आहे, त्यांनी काहीतरी पाऊल प्ले केलंय का असं वाटतं? क्या इसकी पहले से जानकारी थी एक चीज, और क्या इसकी जानकारी होते हुए भी काशिफ खान को जानबूझकर छोड़ा गया, और तीसरा इससे जुड़ा क्या किसी के इंस्ट्रक्शन से भी काशिफ खान को छोड़ा गया? सर चौथा ये कि काशिफ खान से दोस्ती होने का आपने जो अभी बात कहा है उससे उन्होंने इनकार किया अभी थोड़ी देर पहले। सीधे ऐसे है, नहीं नहीं ठीक है, वो तो अभी हाईकोर्ट में उन्हें नोटिस दे के ही गिरफ्तारी हो सकती है, जांच में तो चीज़ें सामने आएगी। काशिफ खान ये वो दावा कर रहे थे कि 1 महीने से ये पार्टी की हमें जानकारी थी, हम प्लानिंग कर रहे थे, क्या काशिफ खान इन्विटेशन दे रहा है या उनको पता नहीं चला? इतने इंटेलिजेंट ऑफिसर क्या काशिफ खान की पार्श्वभूमि नहीं देख पा रहे थे? काशिफ खान कौन है इसकी जानकारी उन्होंने नहीं निकाली? जब उन्हें क्रूज पर रेव पार्टी होने वाली है, फैशन टीवी का इंडिया हेड काशिफ खान है, तो क्या उस एंगल से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए था? जिस तरह से कुछ फोटो जो गैर अधिकारियों को दिए गए कि इन लोगों को ही पहचान कर चिन्हित करो, वो लोग आते थे, वो आए, उन्हें
टर्मिनस पे रोका गया, अफवाह फैला दी गई, खबर छोड़ दी गई कि मेगा स्टार का लड़का डिटेन किया गया और सारे लोग उसमें बिजी हो गए और क्रूज पे कोई भी सर्च नहीं हुआ। कोई भी 1300 लोगों के सर्च करने का काम नहीं किया। एक महीने तक की तैयारी में आशिफ खान को नहीं जानते हैं, इसी तरह से कई झूठ बोलते गए लेकिन धीरे धीरे झूठ खुलते गए। हमें लगता है काशिफ की गिरफ्तारी के बाद चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि मैंने एक मांग मुख्यमंत्री के सामने और गृह मंत्री के सामने रखी थी कि इस विषय की जांच कीजिए, मामला गंभीर है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आने के बाद एक कमेटी बनाई है जो जाँच कर रही है। आज मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पिछले 9-9.5 महीने में जो भी जानकारी मैंने इकट्ठा की है उसमें कोई भी सरकारी एजेंसी ने मुझे कोई मदद नहीं की। मैंने अपने परिवार के लोगों के जरिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की है और जब कोई लड़ाई लड़ने आ जाता है तो बहुत सारी जानकारी लेकर लोग सामने आ जाते हैं। एक बात आज फिर बोल दूँ कि फ्लेचर पटेल ये कहते थे कि हमारा कोई बहुत ज़्यादा उसके बारे में लोग जानते नहीं। फ्लेचर पटेल फ्रॉड है, आर्मी का कवच पहनकर मोटरसाइकिल पे आर्मी लिखा है। फ्लेचर पटेल के संबंध समीर वानखेड़े से लगभग 11-12 साल पुराने हैं। फ्लेचर पटेल की मोटरसाइकिल में उनका पहले बीवी का लड़का, उसका गाड़ी नंबर की चीज़ें मेरे पास हैं। मैं इतना कह देता हूँ, फ्लेचर पटेल के साथ साथ एक आदिल उस्मानी नाम का भी व्यक्ति है जो कई मामलों में हैबिचुअल पंच है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। ये कस्टम में थे जब से इनके रिश्ते हैं और आदिल उस्मानी बहुत सारे केसेस में क्यों पंच बना हुआ है ये भी सवाल है। वो भी जानकारी हम निकाल रहे हैं कि कितने मामलों में आदिल उस्मानी इनका विटनेस है। आने वाले दिनों में वो जानकारी देंगे। वारंवार आरोप करतो है की लेटर दिले, एनसीबी तपास करत नाही है, तर समीर वानखेडेंचा खोटेपणा समोर कसा येईल? मुंबई पोलीस तपास करते, हायकोर्टाने सांगितलं की तपासामध्ये काही त्यांच्यावर म्हणजे त्यांना अटक करण्याची वेळ आली तर त्यांना 72 तास हे कुठेतरी त्यांना वेळ दिली पाहिजे। आता इतका तक्रारी समोर येते लोकांच्या जीवानी, जे लोक तक्रार करता है मुंबई पोलीस पण हेच याच्या बाबतीत माहिती घेत आहे। आणि ज्या गोसावीच्या मुळे हे सगळं उघडकीस आलेलं आहे, त्याला तो इथून पडून गेला दिल्लीला, दिल्लीहून तो कलकत्त्याला गेला, अगरतलाला गेला, उत्तर प्रदेशमध्ये गेला, सांगत होता की यूपी पोलीसकडे मी सरेंडर करणार आहे, पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये सरेंडर व्हायला आलो, मग त्याला अटक झालेली आहे। त्या गुन्ह्यामध्ये अटक झाल्यानंतर बरेचसे गुन्हे त्याच्यावर आहे आणि याच्यावर पण एक्स्टॉर्शन आणि किडनॅपिंगच्या तक्रारी झालेली आहे। मला वाटते गोसावीच सगळं यांचा पोलखोल करेल। इंटरव्हल झाला आहे म्हणजे परिस्थिती बदलली, ज्याला लोक पकडून आत घेऊन जात होते तो स्वतः अटक झालेला आहे। जी लोक कालपर्यंत यांना बेल होऊ नये या भूमिकेत होते, स्वतःला अटक होणार नाही ही परिस्थिती निर्माण झालेली, म्हणजे क्लायमॅक्स आता सुरू झालेला आहे। काल इंटरव्हल झाला, आजपासून नवीन परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। पिक्चर नवीन, आता संजय राऊत साहेबांनी पण सांगितलं आहे इंटरव्हलपर्यंत नवाब मलिक आणि त्यानंतर मी, आता मला वाटते ते आता ह्या पुढच्या पिक्चर चालवणार आहे, पण मला वाटते आता सलीम जावेद सारखा दोघांना मिळून चालावं लागेल। गोसावी आणि भाजपचे एक नेते, त्यांची पार्टनरशिप आहे, त्यांची बायको एका कंपनीमध्ये पार्टनर आहे, मी आता नाव घेत नाही, विधानसभेमध्ये सांगू। म्हणजे पिक्चरचा शेवट हा हिवाळी अधिवेशनात होईल? पिक्चरचा शेवट जे बोगस फर्जी माणूस आहे त्याची नोकरी जाणे, त्यांना तुरुंगात टाकणे, हे म्हणजे यंत्रणेच्या माध्यमातून नाही, बोगस सर्टिफिकेटच्या आधारावर बोलतोय। पिक्चरचा शेवट जेव्हा होईल, जेव्हा या राज्यात जे बेकसूर लोक तुरुंगात आहेत ते बाहेर येतील, तोपर्यंत बेकसूर लोक बाहेर येत नाही
या सगळे केसेस कसे फेक हे मी सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत हा पिक्चर हे संपणार नाही. गोसावी आणि भाजपच्या लोकांचा देखील तपास होणार का, काय काय सांगा. गोसावी आणि एक भाजपचा नेता त्याच्या पत्नी एका प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये डायरेक्टर आहे. आज मी सांगत नाही, विधानसभेच्या पटलावर ते मी सगळं ठेवणार आहे, पण त्याच्यापेक्षा आणखीन विस्फोटक काय माहिती माझ्याकडे आहे. ते समोर आल्यानंतर जेव्हाही जेव्हाही जे करत होते त्यांना या महाराष्ट्रामध्ये तोंड दाखवण्यासाठी जागा राहणार नाही. म्हणजे आर्यन खान पकडणं हा कट भाजपचाच आहे म्हणून फक्त आता पोपटाला वाचवण्यासाठी सगळे लोक पुढे पुढे पडत आहे, पण विधानसभेमध्ये परिस्थिती समोर आल्यानंतर यांना महाराष्ट्राला तोंड दाखवण्याची म्हणजे यांची परिस्थिती राहणार नाही. त्या दिशेने माझी सगळ्या रिसर्च सुरू आहे. सर, भाजप आज निदर्शनं समीर वानखेडेंच्या समर्थनात करणार आहे आणि दुसरीकडे मोहित कंबोज यांनी तुमच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला आहे 100 कोटीचा, त्याच्यावर तुमचं काय उत्तर? नाही, माझी तर अवकाद इतकी आहेच नाही. कमीत कमी माझा ब्रँड 100 कोटीचा त्यांनी केलेला आहे. बरेचसे लोक 100 कोटी 100 कोटी सांगताय, सगळं विकलं तरीही माझ्याकडे 100 कोटी नाही. ते सांगताय ते भंगारवाले, पण त्याला माहीत नाही भंगारवाला काय असतो. होय, मी भंगारवाला आहे. भंगारवाला म्हणजे माझे वडील या मुंबईमध्ये कपड्याचा आणि भंगारचा धंदा त्यांनी केलं. वयाच्या 16व्या वर्षापासून राजकारणामध्ये आमदार होण्यापर्यंत होय मी भंगारचा धंदा करत होतो. शेजारी माझ्या भावाचा गोडाऊन, इथून जा कॅमेरे घेऊन त्या भंगारच्या गोडाऊनाचे पण फोटो काढा. माझे कुटुंबीय लोक हे भंगारचा धंदा करताय, मला अभिमान आहे. मी माझे आजोबाने कधीही कुठल्या डाकूंकडून बनारसमध्ये सोने घेतलेले नाही. माझ्या बापांनी बनारसमध्ये चोरांकडून सोना खरेदी केलेला नाही. मी स्वतः या मुंबईमध्ये कधी गोल्ड स्मगलिंग केली नाही. मी कुठला बुलियन मार्केट बुडवलेला नाही. मी फॉर्ज करून बँकांचे पैसे खाल्लेले नाही. मी कुठेही कधीही कुठल्याही बँकेकडून कंपन्या निर्माण करून 100 कोटी बुडवलेला नाही. माझ्या घरी कधीही CBI ची रेड झालेली नाही. माझ्यावर कुठलाही आरोप नाही. मी TV जर्नलिस्ट असोसिएशनला चेक देऊन कधी बाउन्स करण्याचं काम केलं नाही. मुख्यमंत्री निधीमध्ये चेक देऊन कधी बाउन्स केलेला नाही. होय मी भंगारवाला आहे, पण भंगारवाल्याची किमयागिरी काय असते या लोकांना माहीत नाही. म्हणजे एखादा वस्तू जो उपयोगी नसते तो उचलून आणतो, त्याचे एक एक तुकडे तुकडे करतो आणि शेवटी भट्टीत टाकतो आणि पाणी करण्याचं काम भंगारवाला करतोय. नवाब मलिक, जितके भंगार या शहरामध्ये आहे या भंगारांचे एक एक नट बोल्ट खोलून भट्टीत टाकणार आहे आणि यांचं पाणी केल्याशिवाय नवाब मलिक भंगारवाला थांबणार नाही. धन्यवाद. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे